हिसार में पिछले 4 दिनों से चल रही 64वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में हिंदुस्तान से 19 राज्यों के लगभग 3000 लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से प्रदेश में खिलाड़ियों को जितने इनाम और नौकरियां मिली है वे हरियाणा के इतिहास में आज तक किसी खिलाड़ी को नहीं मिली। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में योगशालाएं और स्टेडियम बनाकर खेल संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। जींद उपचुनाव पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जींद में जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे उनको बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट करने पड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि विपक्षियों ने चुनाव होने से पहले ही हार मान ली है। आज हरियाणा प्रदेश के हिसार में राष्ट्रीय स्तर की 64वीं हॉकी और नेशनल बॉल की स्कूल खेलों की अंडर 14 प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में पिछले 4-5 दिन से 29 राज्यों के खिलाड़ी बालक और बालिकाएं जो स्कूलों के 14 वर्ष की आयु के कम के हैं हैंडबॉल और हॉकी के टूर्नामेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। हरियाणा ने न केवल मेजबानी की बल्कि खेल के मैदान में जहां एक अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अच्छी परफॉर्मेंस दी टूर्नामेंट को जीता वहीं दूसरे खिलाड़ियों को भी हरियाणा के साथ खेल करके खेल को सीखने का मौका मिला है और एक अच्छी प्रतिस्पर्धा की भावना खिलाड़ियों में देखने को मिली। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इतने खिलाड़ियों को इनाम आज तक कभी नहीं दिए गए, इतनी नौकरियां कभी नहीं दी गई जितने पिछले 4 साल के अंदर दी गई है। तो हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव के अंदर योगशालाएं और स्टेडियम बना करके एक खेल की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है और इसी प्रकार से जारी रहेगा। जींद में जिस प्रकार से दूसरी पार्टियों को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे थे और उनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़े, जींद शहर के उम्मीदवारों को इग्नोर करके कोई सिरसा से चल करके कोई कैथल से चल करके उनको आना पड़ा, इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षियों ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली है। और जींद की जनता डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी जो 5 साल के लिए उनके विधायक चुने गए थे, सेवक चुने गए थे, वो 5 साल का एक प्रकार से कार्यकाल बदस्तूर जारी रहे और एक सुपुत्र को अपने पितृ ऋण का निभाने का अवसर मिले और जींद में विकास के कार्य बदस्तूर जारी रहे, इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर विजय बनाने वाली है। जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो आज कुछ भी बात करें वो बेमानी है। इससे पहले कि वो हरियाणा के अंदर भविष्य की राजनीति करें उनको कहीं ना कहीं अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।